गाइस वेलकम बैक टू मोटोमोटिव वंस अगेन। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है टीवीएस जुपिटर का न्यू वर्जन। 2024 में लॉन्च हुआ न्यू जुपिटर 110। जुपिटर जो है बहुत टाइम से मार्केट में फेमस है, बहुत पॉपुलर है। नाउ 2024 में जुपिटर का जो है न्यू जनरेशन लॉन्च किया टीवीएस ने। नाउ शुरू करते हैं इसका लुक से। तो ओवरऑल देखेंगे ये कुछ जुपिटर का रेट्रो एंड और जो आई क्यूब है उसके साथ कंबाइन करके स्कूटर को बनाया गया है। पर चैसिस जो है चैसिस इसका टीवीएस जुपिटर 125 का ही चैसिस यूज़ किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्कूटर का कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले लुक देखेंगे। इसमें आपको कंप्लीट न्यू DRL सेटअप आपको मिल जाता है जो एकदम स्प्लिट है बॉडी के साथ। की ऑन करते ही देखेंगे आपको DRL कुछ इस तरह से जलता हुआ नजर आएगा एंड टर्न इंडिकेटर जो है वो इसके साथ इंटीग्रेटेड मिल जाता है। मैं क्विकली इसको ऑन कर देता हूं तो देखेंगे आपको कुछ इस तरह से इसका टर्न इंडिकेटर जो है DRL के साथ मैनेज किया है, जो ही बहुत अच्छा काम किया है TVS ने यहाँ पे। मैं रियर सेक्शन में भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ सिमिलर टाइप का डिज़ाइन आपको रियर में दिखेगा। जो टेल सेक्शन है आपको कंबाइन मिल जाता है एंड जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर ऑन करते तो ये आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है। जो ये वाला जो डिज़ाइन है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपका क्या ओपिनियन है इस डिज़ाइन के ऊपर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पे देखेंगे आपको दिखेगा TVS का बैजिंग 3D में मिल जाता है रियर सेक्शन में। और कुछ नहीं, ये कुछ सिमिलर आपको जुपिटर जो ओल्डर मॉडल है उसके टाइप मिलेगा। 3D में जुपिटर का एम्ब्लॉयड बैजिंग, रियर में आपको सस्पेंशन वगैरह इंजन में बाद में बात करेंगे। नाउ और चेंजेस देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे आपको मिल जाता है कंप्लीट न्यू डिजिटल डिस्प्ले या आपको इन्वर्टेड LCD मिल जाता है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिसके साथ आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन, इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन, मैसेज सब कुछ मिल जाता है। एंड ये एक न्यू डिस्प्ले है। इंजन भी इसका न्यू है, न्यूली डिज़ाइन किया 113cc का इंजन आपको मिल जाता है। नाउ इसमें और एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिया गया है, इसमें यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये जो है टर्न इंडिकेटर है। तो ओवरऑल स्विच क्वालिटी डिसेंट है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड हाई बीम पास मिल जाता है, ऑन इसमें सिंगल टाइप मिल जाता है, ये ऑन ऑफ मिल जाता है एंड यहाँ पे स्टार्टर विथ वॉइस असिस्ट मिल जाता है। नाउ ये जो टर्न इंडिकेटर है आप जैसे ऑन किए तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर जल रहा है, तो इसको आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो देखेंगे आपका जो है हैजर्ड स्विच यहाँ पे ऑन हो गया। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड दिया गया टर्न इंडिकेटर विथ हैजर्ड, तो ये मुझे भी अच्छा लगा। एंड इस साइड में आपको देखेंगे फ्रंट फ्यूल फिलिंग कैप मिल जाता है। नाउ फ्यूल टैंक जो है अभी रिड्यूस कर दिया गया है, 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस साइड में मल्टी फंक्शनल इग्निशन की एंड यहाँ पे भी आपको एक यूटिलिटी पॉकेट मिल जाता है जो स्टोरेज, यहाँ पे भी अपना वाटर बॉटल, फ़ोन, वॉलेट वगैरह छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं। एंड और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है USB चार्जिंग सॉकेट ऑन द गो, आपका फ़ोन हो या कोई भी गैजेट USB से चार्ज कर सकते हैं। ना स्टोरेज की बात हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ इस जुपिटर में है जो बेस्ट इन द सेगमेंट, आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। ऐसा स्टोरेज आपको किसी और स्कूटर में नहीं मिलेगा। 38 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, जिसे देख सकते हैं दो हेलमेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। दो हेलमेट इजीली आ जाता है। मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों जो हेलमेट है दोनों हाफ फेस हेलमेट है, फुल फेस हेलमेट ये स्कूटर्स में नहीं आएगा, तो उसका ध्यान रखें। एनीज आजकल में इंडिया में हाफ फेस हेलमेट ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से फुल फेस हेलमेट में आपको ज़्यादा फायदा है। आप देख सकते हैं मैंने अगर एक हेलमेट निकाल भी लिया, आपके पास अगर एक हेलमेट है तो उसके बाद भी कितना जगह बचेगा आपका सामान कैरी करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जुपिटर में ज्यादा का फायदा मिलेगा, बेस्ट इन क्लास आपको बूट स्पेस मिल जाता है 38 लीटर का एंड सीट भी काफी लॉन्ग एंड कंफर्टेबल है। आप 2 पर्सन तो इजिली आ सकते, ट्रिपल थर्ड वाला पर्सन भी आ जाएगा, पर ट्रिपल राइडिंग जो है स्कूटर्स में अलाउ नहीं है। लुक वाइज कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो इसका लुक बहुत अच्छा लगा। पर यहाँ पे देखेंगे जो इसका फुट स्पेक है ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था, इसमें आपको एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकता था कंपनी की तरफ से। इस बाइक में अभी भी आपको जो है किक का ऑप्शन अवेलेबल मिल जाता है। ये है 113cc का न्यूली डिज़ाइन किया हुआ इंजन। तो प्रीवियस जो जुपिटर था उसमें आपको 109cc का इंजन मिलता था, इसमें अभी आपको 113cc का इंजन मिल रहा है। जो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा 9 BHP के आसपास है, 9.8 न्यूटन मीटर के
आसपास इसमें टॉर्च मिलेगा, जिसका फिगर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं ना। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, इसका जो टॉप मॉडल है उसमें आपको 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्च मिलेगा, एंड जो बेस मॉडल है उसमें आपको 9.2 न्यूटन मीटर का टॉर्च मिलेगा। अब क्वेश्चन है क्यों इतना डिफरेंसेस क्यों है टॉर्क का, इंजन सेम है, डिफरेंसेस ये है, यह इसका बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, फुटबोर्ड में बैटरी कंपार्टमेंट। नाउ इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो टॉप मॉडल है इसमें आपको एक बैजिंग मिल जाता है, यहाँ पे TVS गो असिस्ट का बैजिंग मिल जाता है, यानी ये जो बाइक है टॉप मॉडल जो है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज के साथ आता है, तो इसमें आपको एक लार्जर बैटरी मिल जाता है, जो पावर डिलीवरी के टाइम इसमें बैटरी से भी मोटर को थोड़ा पावर मिलता है, एंड उसके चलते आपको थोड़ा टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है जो सिर्फ आईगो मॉडल में मिलेगा, जो नॉर्मल मॉडल है उसमें आपको 9.2 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क मिलेगा। तो ये एक डिफरेंसेस सेम, ये एक आपको अपर हैंड मिल जाता है TVS जुपिटर में, इस हाइब्रिड के चलते इसका माइलेज जो है आपको ज़्यादा मिलने वाला है। पहले इसमें 40-45 KMPL के आसपास माइलेज मिलता था पहले का जो जुपिटर, नाउ इसमें आपको 50 प्लस माइलेज मिलने वाला है जो कंपनी क्लेम करता है। नाउ इसमें बात यह है कि क्योंकि ये न्यू इंजन है तो बाकी तो पता चलेगा इसको रियल टाइम यूजेस के बाद, यूज़र फीडबैक के बाद, और मुझे इसका DRL बहुत अच्छा लगा, बार बार इसको देख रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में क्या ओपिनियन है, एंड इसका हैजर्ड भी मैंने ऑन कर दिया। तो फ्रंट में देखेंगे हेडलैम्प इसका हैंडल बार के ऊपर माउंट किया हुआ है, स्टैंडर्ड हेलमेट है, इसमें डिज़ाइन में कुछ चेंजेस नहीं किया, यहाँ पे आपको TVS का बैजिंग मिल जाता है। ना इसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाता है इसमें, तो क्या क्या कलर ऑप्शन है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसका वेरियंट में आपको डिस्क और ड्रम ब्रेक का वेरियंट भी मिल जाता है, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट ही है। इसमें आपको ड्रीम डिस्क ब्रेक भी आता है, 12 इंच का एलॉय का सेटअप है, बोथ टायर जो है आपको 90x90 सेक्शन का 12 इंच का टायर मिल जाता है। एंड एक और चीज़ है गाइस, इसमें आपको स्टैंडर्ड में जो है साइड स्टैंड आपको नहीं मिलता, वो आपको एज एन एक्सेसरी परचेस करना होगा, विथ सेंटर स्टैंड के साथ आता है ओनली। एंड रियर का सस्पेंशन आपको देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है, ट्रस्ट मी गाइस इसका सस्पेंशन फीडबैक बहुत बहुत अच्छा है, रिफाइन इंजन हो गया अभी, एंड इसमें 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है विथ 90x90 सेक्शन का, आपको 12 इंच का टायर बोथ व्हील पे मिल जाता है, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, एंड सिंगल टाइप एक ग्रे ब्रेल देख सकते हैं, लॉन्ग कंफर्टेबल सीट जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पे आपको एक कन्वीनियंट हुप मिल जाता है छोटा मोटा सामान कैरी करने के लिए, एंड अंडर सीट का जो हुप है वो गायब कर दिया गया है। फ्रंट में भी आपको ये जैसे मैंने बताया ड्रम वाला वेरियंट है, तो फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक मिल जाता है SBT ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, एंड जो ड्रम है 130mm का है, एंड जो डिक्स वाला वेरिएंट है उसमें 240mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। फ्रंट में आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एंड लुक देखिएगा इस कितना क्या खूब लुक इसका निकल के आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड पॉजिटिव थिंग ये है कि बाइक में आपको 50 प्लस माइलेज मिलने वाला है। ऑन रोड प्राइस की मैं अगर बात करूँ, ये जो है सेकेंड टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल का ऑन रोड प्राइस कोलकाता का आएगा 1,07,000 अप्रॉक्सीमेटली। जब भी न्यू है तो सब सिटी का ऑन रोड प्राइस पता नहीं चला है, फिर भी आपको अगर आपका सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका सिटी का नाम बताए, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस जो आएगा आपका सिटी का मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। नाउ इस बार में और एक बार बताना कौन सा कलर आपको अच्छा लगा वो भी बताना, एंड यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकरिंग किया गया, क्योंकि ये स्कूटर जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। न्यूली डिजाइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड LCD है, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चलो क्यूट सा इंस्ट्रूमेंट पैनल है। अब इसे ऑन करेंगे तो देखेंगे GPS नोटिफिकेशन वगैरह आपको दिख रहा होगा, तो क्योंकि ये जो स्कूटर है टर्न बाई टर्न नेविगेशन असिस्ट इनकमिंग कॉल, एंड एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे हेलमेट का वार्निंग भी दिख रहा है, तो अगेन ये एक अच्छा चीज़ है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से, आपको हेलमेट का वार्निंग मिलेगा। तो आप कोई भी टू व्हीलर कभी भी राइड कीजिए हेलमेट ज़रूर पहने, सेफ्टी फर्स्ट उसके बाद कुछ भी। तो इसमें और भी छोटे फीचर्स जैसे फ्यूल गॉच, ट्रिप ए ट्रिप बी इकोनॉमी रियल टाइम इकोनॉमी टोटल इकोनॉमी सब कुछ मिल जाएगा, एंड छोटू सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, इन्वर्टेड LCD है, एंड टू स्विच दिया गया मोड एंड सिलेक्ट करेंगे, और साइड में आपको टर्न इंडिकेटर हेडलाइट वगैरह का जो है LED वो दिया गया है। तो मुझे इंस्ट्रूमेंट पैनल का डिज़ाइन भी अच्छा लगा, छोटा कॉम्पैक्ट है और बेहतर हो सकता था, पर 1:10 cc के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। इंजन स्टार्टर विद वॉइस असिस्ट आपको मिल जाता है, पर रियर व्यू मिरर जो है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं पूरा पैनल जो है कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है, नाउ क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। बहुत खूबसूरत तो नहीं होगा क्योंकि रिफाइन इंजन है 110 cc का, फिर भी मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा देता हूं। नाउ ये सिंगल क्लिक स्टार्ट है, स्टार्ट हो गया गाइस, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इस सेगमेंट में,
तो ये था कुछ इस तरह इसका एग्जॉस्ट नोट एंड ये इसका हेडलाइट भी है। सो इस हेडलाइट का डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आपको हाई बीम मिल जाता है एंड बोथ साइड में आपको मिल जाता है लो बीम। हेडलैम्प जो है हैंडल बार के ऊपर माउंट किया हुआ मिलता है एंड साइड पैनल में देखेंगे आपको जुपिटर के 3D में एम्ब्रॉयड किया हुआ बैजिंग मिल जाता है। तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, पावर परफॉर्मेंस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया स्कूटर है। पर खराब क्या है, निगेटिव क्या लगा मुझे स्कूटर में जो है इसका, थोड़ा फिट एंड फिनिश क्वालिटी बेहतर हो सकता था एंड ये जो यहाँ पे जो टच वाला फील एंड जो प्लास्टिक क्वालिटी जो मटेरियल यूज़ किया है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है विथ रिफ्लेक्टर एंड टायर जैसे मैंने बताया 90x90 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है। 12 इंच का दोनों ही व्हील C8 जूम यूज़ किया है, दोनों जगह पे C8 का टायर है। पर एक और चीज़ बेहतर हो सकता था ये वाला स्कूटर में जो कि है इसका रियर टायर। इसमें आप लोगों को दिखा देता हूँ, रियर में भी आपको 90x90 सेक्शन का वही 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ये थोड़ा और वाइडर हो सकता था क्योंकि इसमें जैसे एंटॉर्क में आपको एक वाइडर रियर टायर मिल जाता है। एंड एक और चीज़ देखेंगे इसका फिनिश क्वालिटी जो है थोड़ा थोड़ा हैंड फिनिश जैसा लग रहा है, लाइक उतना प्रीमियम नहीं है, उतना एकदम परफेक्ट फिनिश नहीं है। तो ये और एक बेहतर हो सकता था। बाकी और देखेंगे इसका रियर व्यू मिरर जैसे मैंने बताया था, इसको भी थोड़ा और एडवांस थोड़ा स्टाइलिश बना सकता था रियर व्यू देखेंगे तो। ऑर्डिनरी टाइप का आपको रियर व्यू मिरर जो है वो मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं बताऊँ इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है गाइस, एक दो नेगेटिविटी छोड़ के, एंड प्राइस के हिसाब से ये बाइक स्कूटर जो है इसको जस्टिफाई करता है बहुत अच्छी तरीके से। एंड आप लोग का राय क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेन की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक न्यूली डिज़ाइन आपको मिल जाता है बहुत एलिगेंट टाइप का डिज़ाइन। फीचर्स के बारे में बात करें, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, इनकमिंग कॉल असिस्ट वगैरह एंड TVS iGo जो है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इसके चलते आपको थोड़ा ज़्यादा पावर एंड ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा। बेस्ट इन क्लास अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है विथ लॉन्ग एंड कंफर्टेबल सीट आपको मिल जाता है। सामने में एक्टिव हैंड पॉकेट, मल्टीलूटी की एंड आपको USB चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे मिल जाता है। इस साइड में आपको फ्रंट फ्यूल फिलिंग कैप जो है 5.2 लीटर का फ्यूल फिलिंग कैप है। कन्वीनियंट हुक भी आपको एक सामने मिल जाता है एंड आपका की से ही सीट ओपन कर सकते हैं। तो सीट या फ्यूल ओपन करने के लिए आपको की निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड डिस्प्ले है। रियर व्यू मिरर इसको थोड़ा और बेहतर बना सकता था, थोड़ा स्लीक एंड सेक्सी टाइप का डिज़ाइन इसमें दे सकता था, पर चलो ये भी सही है। बजट के हिसाब से 1,07,000 इसका ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कोलकाता का बता रहा हूँ। इनकेस आप लोग सपोज ही न्यू टाउन या इसी के नियरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई भी TVS प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हो PK TVS। आपको डिस्प्ले में नंबर और डिटेल्स दिख रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। तो ओवरऑल इस बाइक के लिए तो यही था। एंड इसका वेट, ये स्कूटर लाइट वेट है, 134 kg के आसपास इसका वेट है एंड ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। तो इसका हैंडलिंग भी तगड़ा होने वाला है, सिटी राइड के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं आप। अगर जुपिटर या कोई भी 110cc स्कूटर खरीदने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली स्कूटर को कंसीडर कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।